देख कैसा लग रहा है? अरे एकदम गजब लग रहा है, सिस्टम हिला दिया तूने तो। ये तो मुझे बिल्कुल तेरी शक्ल पे लग रहा है। अब इसे आपस में जोड़ के क्रेन वाले से इसे उठवा लेंगे। तो क्रेन वाले को तो पहले कॉल कर देता। कॉल कर भी दी। अरे ऊपर उठा। अरे धीरे। अरे ऊपर उठा यार। अरे कहां से ले आया तू इस क्रेन वाले को, बोल इसे। हाँ बोल तो रहा हूँ। अरे यार क्रेन चलाने नहीं आती क्या तेरे को? ये रावण का घाघरा है, कली दशहरा है, ये गिरना नहीं चाहिए। क्या क्या हुआ? कह रहा टेंशन मत लो, आज मैंने पैक ज्यादा चढ़ा लिए। चलो रख तो दिया। कल की तैयारी तो पूरी हो गई अब। हाँ अब इसे कल रिमोट से जलाएंगे। हाँ रिमोट वाला रावण तो देखा ही नहीं होगा किसी ने। हाँ अरे रिमोट कहाँ गया? तेरी जेब में ही तो था। अरे ढूंढ जल्दी, अगर किसी और ने बटन दबा दिया तो रावण जल जाएगा। अच्छा ये आवाज कहाँ से आई? पैराटा लगता बटन नहीं दबा, बच गए। हाँ ऐसा नहीं हो सकता। ये सब तेरी वजह से हुआ। मेरे से गलती से रख गया पैर। मैं तेरे को कभी माफ नहीं करूंगा। अब हम क्या करेंगे? अब तो किसी और का रावण जलते हुए देखना पड़ेगा हमें। नहीं मैं किसी और का रावण जलते हुए नहीं देखूंगा, मुझे तो अपना ही रावण जलाना है। नहीं यार अब कुछ नहीं हो सकता, हमें 5 दिन लगे थे इसे बनाने में, इतनी जल्दी कैसे बन जाएगा कल तक? पूरी रात लगा देंगे, पूरा कंप्लीट कर देंगे रात में ही। अच्छा चल फिर मैं दादाजी से और पैसे मांगता हूँ दूसरा रावण बनाने के लिए। पैसे? पैसे क्यों चाहिए? अरे इसमें जो बम पटाखे लगे थे वो क्या फ्री में आए थे? पैसों से खरीद के लाया था मैं इन्हें। चलो मैं दादाजी को कॉल करता हूँ, कुछ बोलिए मत। ठीक है। हाँ क्या हुआ, बन गया रावण? हाँ बन गया। क्या कल मैं भी देखने आ जाऊंगा। जो पैसे बचे हैं वो वापस दे दियो। पैसे तो सारे खर्च हो गए। क्या सारे? हाँ मैंने बहुत बड़ा रावण बनाया था। बनाया था? तो मेरा मतलब बनाया है, उसी में ही सारे पैसे खर्च हो गए। तूने सारे पैसे खर्च कर दिए, अब मैं तेरे को 1 साल तक एक भी पैसा नहीं दूंगा। क्या क्या हुआ, कब देंगे दादाजी पैसे? 1 साल बाद।
अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा बता फिर। मुझे चोरी करनी आती है। पैसे चोरी करेंगे फिर रावण बना लेंगे। ये आइडिया तूने दिमाग से सोचा या घुटने से? चोरी वोरी कुछ नहीं करेंगे। तो तेरे पास है कोई आइडिया? नहीं। तो फिर मैं जा रहा हूँ चोरी करने, तू यहीं रह। अरे रुक जा, पकड़ा जाएगा तो जेल जाना पड़ेगा। अरे यार अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे आओ भाई साहब, कैसे आना हुआ? रावण बन गया आपका? बन भी गया और जल भी गया। क्या? हाँ, गलती से रिमोट का बटन दब गया और उसमें आग लग गई। अच्छा फिर तो सारे बम पटाखे जल गए होंगे। आग लगेगी तो जलेंगे ही, भांगड़ा थोड़ी करेंगे। पूरा रावण जल गया, कुछ भी नहीं बचा, सब बर्बाद हो गया। अरे भाई साहब टेंशन क्यों ले रहे हो, और ले जाओ बम के पैकेट और एक और रावण बना लो। अच्छा कितने अच्छे आदमी हो आप, लोगों की मजबूरी समझते हो। अरे इतनी तारीफ मत करो, ये समझ लो ये आप ही की दुकान है। अच्छा समझ ली। बताओ कितने बम के पैकेट दूँ? इस बार पहले वाले रावण से भी ज़्यादा बम देना। ठीक है, पैसे आप ऑनलाइन दोगे या कैश? अरे अभी तो आपने कहा आप ही की दुकान है। हाँ तो? तो पैसे किस बात के? गेट उधर है। अरे लेकिन निकलो जल्दी। अरे सुनो तो मेरी बात, जल्दी निकलो। उधार तो मिल सकता है? उधार भी नहीं मिलेगा, बल्कि नगद भी नहीं मिलेगा, निकलो यहाँ से। सच में ही अपनी दुकान समझ ली। अरे तू कहाँ चला गया था? पटाखे लेने गया था। मिले पटाखे? नहीं, दुकान वाला नहीं दे रहा। चल वो छोड़, ये बता रावण कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कौन सा रावण? क्या तुझे पता ही नहीं चला कहाँ है रावण? नहीं। जरा नजर घुमा के देख। अरे इतना बड़ा रावण तूने कैसे बना लिया? बनाया नहीं है, चुराया है। क्या? पहले मैंने सोचा पैसे चुराऊंगा, फिर मैंने सोचा पैसे चुरा के फिर रावण खरीदने जाऊंगा, इससे बढ़िया रावण ही चुरा लिया। वैसे भी रावण बनाने का टाइम ही नहीं था, तो सही करा ना मैंने? गलत करा। कभी चोरी करते हुए किसी को पता चल गया ना, फिर तू गया। अरे पुलिस आ गई। पुलिस को पता चल गया? हाँ। तू यहीं रहियो, मैं पुलिस को चकमा दे के आता हूँ। अरे रुक जा, मत भाग। अरे यार ये भी पता नहीं कब आएगा, रात भी होती जा रही है। कौन है? कौन है? अरे सुबह भी हो गई, अरे अभी तक करण नहीं आया। सुबह भी हो गई है, कब आएगा तू? जेल से जब छूटूंगा जब आऊंगा। जेल में हूँ, पुलिस ने मुझे पकड़ लिया और रावण जलाने का रिमोट भी छीन लिया। ये मोबाइल तो मैंने छुपा लिया था, लेकिन रिमोट नहीं छुपा पाया। तो रावण बिना रिमोट के नहीं जलता क्या? जल जाएगा, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े बम लगे हुए हैं, पास से जलाएगा ना तो खुद ही जल जाएगा। अच्छा तो फिर क्या करें? अब कुछ नहीं हो सकता, अब किसी और का ही रावण जलते हुए देख लियो तू। अरे यार। अरे वाह बेटा, बड़ी मेहनत से बनाया लग रहा है। बनाया नहीं, चुराया। क्या बेटा? मेरा मतलब हाँ दादाजी, बहुत मेहनत से बनाया। चल फिर जलाई से हाथ दशहरा है। वो दादाजी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। अब क्या कर दिया तूने? वो मैं तेरे बाद में बात करता हूँ। अरे खुशखबरी है। हाँ बाद में बता दियो। अरे रिमोट मिल गया। मिल गया? हाँ, अभी सलाखों के पास पुलिस वाला खड़ा हुआ था, रिमोट मैंने उसकी जेब से निकाल लिया। अरे लेकिन उससे भी क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये है, मुझे रावण दिख रहा है खिड़की से, यहाँ से मैं बटन दबाऊंगा और रावण जल जाएगा। अच्छा ये तो बढ़िया है, चल मैं तुझे बताऊंगा कब जलाना है। हाँ ठीक है। बता क्या प्रॉब्लम हो गई, क्यों नहीं जल पाएगा ये रावण? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है,
शाम को जलाऊंगा मैं रावण। चल फिर ठीक है, शाम को ही जला लियो। जला दूं दादाजी? अरे हाँ हाँ जला दे, इतनी देर से वेट करवा रहा है। जला दे। ठीक है, दबा दिया बटन। ठीक है। अरे जलाएगा भी? अरे अभी जलेगा दादाजी, जादू से जलाऊंगा। जादू के बच्चे, मैं यहाँ तेरा जादू देखने आया हूँ, जल्दी जला। हाँ हाँ जल रहा है अभी दादाजी। ये जल रहा है? अभी जलेगा दादाजी, रुक तो जाओ। अरे ये तो जल ही नहीं रहा। मैंने तो बटन दबा दिया है। दोबारा दबा। ठीक है। क्या हुआ? बहुत बार दबा दिया, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे याद आया, ये रिमोट मुझसे गिर गया था, हो सकता है खराब ही हो गया हो। अबे यार। अरे लाइटर सही जलाया? नहीं दादाजी, बहुत खतरा है पास से जलाने में। मैं जा रहा हूँ, तू जलाता रहियो। अरे रुक जाओ दादाजी, रुक जाओ। जल गया। हाँ जल गया। अरे बेटा ये तो सच में ही जादू से जल गया। कहा था ना मैंने। हाँ बेटा बहुत बढ़िया। दिख रहा है तुझे रावण जलता हुआ? हाँ दिख रहा है। थोड़ी देर में ही मैं तेरी जमानत कराने आ जाऊंगा। हाँ ठीक है। दादाजी बताओ कैसा लगा मेरा रावण? बहुत बढ़िया लगा बेटा, ऐसा लगा ये तूने बनाया ही नहीं होगा। मैं तेरे इस काम से बहुत खुश हूँ, मांग जो मांगना है। पैसे? जो पैसे कम पड़ गए थे वो मैंने अपने दोस्त से उधार लिए हैं, फिर जाके ये रावण बनाया था मैंने। अच्छा ठीक है, फिर ये ले। ये ले। थैंक यू दादाजी। चल फिर अब मैं जा रहा हूँ, दवाई भी खानी है मुझे। ठीक है, अब इन पैसों से मैं करण की जमानत करवा देता हूँ। अरे नहीं, नया मोबाइल भी तो लेना था मेरे को। चलो करण की जमानत बाद में करवाऊँगा, पहले नया मोबाइल ही ले लेता हूँ। दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और नया मोबाइल मुझे इतना महंगा पड़ गया कि करण की जमानत के पैसे ही नहीं बचे मेरे पास।